रोहित शर्मा के कप्तान बनते ही विलन बने टीम इंडिया के ये दो खिलाड़ी। कभी नाम से खौफ खाते थे विरोधी। जी हाँ, भारतीय टीम के इस समय T20 वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियों के लिहाज से कई T20 सीरीज खेल रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया बदलाव के दौर से भी गुजर रही है। IPL और घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर कई स्टार प्लेयर्स ने टीम इंडिया में जगह बनाई है। ये युवा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया के दो स्टार प्लेयर्स ने बहुत ही खराब खेल दिखाया है। ये खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए अब सबसे बड़ा बोझ बन चुके हैं। कभी ये प्लेयर्स टीम इंडिया की मजबूती माने जाते थे, टीम इंडिया का फ्यूचर माने जाते थे, टीम इंडिया का आधार माने जाते थे, लेकिन रोहित की कप्तानी में इन्हें विलन बनने का काम किया। आइए आपको बताते हैं इन दो खिलाड़ियों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो खैर, टीम इंडिया फिलहाल रोहित की कप्तानी में अपना पूल तैयार करने में लगी है ताकि वो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2022 में अच्छा प्रदर्शन कर सके। जो गलतियां 2021 में दोहराई वो 2022 में ना दोहराए, ऐसा कुछ प्लान है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का। इसलिए टीम इंडिया फिलहाल बदलाव के दौर से भी गुजर रही है। हर एक स्लॉट के लिए दो दो तीन तीन खिलाड़ी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। ऐसे में रोहित की जो सरदर्द है चयनकर्ताओं की वो भी ज्यादा बढ़ रही है। हर एक खिलाड़ी को मौका दिया जा रहा है, वो अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है, पहले वाले के लिए वो मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो अब ऐसे में कप्तान किन्हें मौका देंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन रोहित की कप्तानी में इन दो स्टार खिलाड़ियों ने खराब प्रदर्शन किया है और इसलिए इनकी जगह पर अब संकट के बादल मंडराए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कौन से वो दो खिलाड़ी। दूसरे पायदान पर चूंकि भारतीय टीम के सुपर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली है, लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में विराट कोहली एक भी बड़ी पारी में नहीं खेलने में कामयाब हुए हैं। उनका मनोबल बहुत ही ज्यादा गिर गया है। वो क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में पिछले 3 से 1 भी शतक नहीं लगाए हैं। 3 साल से अधिक का समय हुआ है। वह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े अब गुनहगार के रूप में सामने आ रहे हैं। वहीं कोहली को ज्यादातर मैचों में आराम भी दिया जा रहा है और कोहली की जगह जिन नए खिलाड़ी को मौका मिल रहा है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बचाए दीपक हुड्डा हो या फिर श्रेयस अय्यर। खैर, कोहली का रिप्लेसमेंट तो तैयार हो ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोहली जो है रोहित की कप्तानी में वैसा प्रदर्शन तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। जब भी विराट कोहली को टीम इंडिया में आराम दिया गया है उनकी जगह पर नंबर 3 पर युवा खिलाड़ियों को अपने खेल से सभी का मन मोह लिया है। ये प्लेयर्स आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ श्रेयस अय्यर की बात तो फिर दीपक हुड्डा की, लेकिन अब बात करते हैं पहले पायदान के खिलाड़ी के बारे में। तो नाम ऋषभ पंत है, शायद ही उतने किसी को दिए हैं जितने मौके BCCI ने ऋषभ पंत को दिए हैं। ऋषभ पंत टेस्ट मैचों में भारत के नंबर 1 विकेटकीपर बल्लेबाज है, लेकिन सफेद गेंद क्रिकेट में वो कमाल दिखाने में विफल रहे। हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाकर टीम इंडिया को एक मैच बल्कि पूरी सीरीज जरूर जिताई है, लेकिन जब बात उनके T20 कैरियर की आती है तो वो अब तक 50 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं जिसमें वो 22 की मामूली औसत से रन बनाते हैं, 125 साधारण स्ट्राइक रेट से। जी हां, 125 की स्ट्राइक रेट है, 768 रन अभी तक उन्होंने 50 मैचों में बनाए हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो ऋषभ ने T20 में अभी तक एक भी ऐसा मैच भारत को हारा हुआ नहीं जिताया। जरूरत पड़ने पर विस्फोटक पारी खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। उनकी वजह से ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे विकेटकीपर को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये वो दो खिलाड़ी है जो रोहित की कप्तानी में अच्छा मौका और अच्छा काम नहीं कर पा रहे। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तो हमारी राय थी।